स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए कल 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। एमपी में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान होगा। इसमें मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, बैतूल और राजगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। एमपी में गुना, राजगढ़ हॉट सीट बनी हुई है। गुना में महाराज हैं जबकि राजगढ़ में राजा साहेब मैदान में है। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है और बात अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की जाए तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर में मतदान होगा। विदिशा, भोपाल, बैतूल, राजगढ़ में मतदान होगा। गुना में महाराज, राजगढ़ में राजा की साख दांव पर लगी हुई है। पोलिंग पार्टियां मतदान के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। बता दें कुल 1,77,52,583 मतदाता वोट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। न्यूज 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप जाइए। कल सुबह से ही मतदान की शुरुआत हो जाएगी और आप पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। तो 9 सीटों पर मतदान कल होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर में मतदान कल होगा। साथ ही साथ विदिशा, भोपाल, बैतूल, राजगढ़ में भी मतदान होना है। दिग्गजों की साख दांव पर, एक तरफ गुना में, एक तरफ राजगढ़ में। तो वहीं एक और दिग्गज मैदान में है, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये हॉट सीट है। तो देखिए कल तीसरे चरण का मतदान होना है मध्य प्रदेश की इन तमाम सीटों पर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ कौन कौन कहां से मैदान में हैं ये भी आपको बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गुना लोकसभा का हम देखें वोटिंग प्रतिशत 2009 में 54, 2014 में 60, तो 2019 में 70% रहा था। इस बार भी पूरी जोर टीम लगाए हुए है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत इस बार देखने को मिले। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीट पर कल मतदान होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर कल वोटिंग होनी है। इनमें गुना, विदिशा और राजगढ़ जैसी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 1,77,52,583 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। आज मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों तक मतदान सामग्री भेजी जा रही है। और एमपी में कल तीसरे चरण का मतदान होगा जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियों के मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। अब इन्हीं मतदान कर्मियों में एक महिला कर्मी इन दिनों चर्चा में है। नाम है डॉक्टर दीपाली शेठे, जिन्हें हरदा में पिंक बूथ पर तैनात किया गया। इनका अंदाज और लुक चर्चा में है। इन्हें पहली बार चुनाव ड्यूटी में लगाया गया। हम शासकीय कर्मचारी हैं तो शासन के अधीनस्थ जो भी हमें सेवाएं दी जाती है, जो भी नियम और रेगुलेशन के अंतर्गत सारे काम किए जाते हैं, हमें शासन ने निर्देश दिए हैं कि हमें मतदान में अपनी सेवाएं देना है, इसलिए आज हम यहाँ ड्यूटी के लिए आए हैं। आपकी लुक को लेकर भी चर्चा हो रही है। बस मैं तो ऐसी हूँ सर। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का कल मतदान होना है। एमपी में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गर्मी के चलते मतदान केंद्र पर विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर मिनी आईसीयू की तरह व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल में है जबकि सबसे कम प्रत्याशी भिंड सीट पर है। जो सेकेंड फेज में किया था वो तो करेंगे ही, उसके अलावा भी हम लोग लगातार जैसे चले बूथ की ओर अभियान थर्ड फेज के लिए पहली तारीख से कर रहे हैं, फोर्थ फेज के लिए भी कर रहे हैं। तो प्रयास ये है कि लगातार बूथ पे एक सप्ताह तक कोई न कोई गतिविधि की जाए, लोगों से संवाद किया जाए, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि जाएं और वोट करें। मतदाताओं को
जहाँ पे कल जरूर एक लोकल इनिशिएटिव है, पिछली बार भी किया गया रैपिडो के माध्यम से, तो उनकी प्रेजेंस सभी जगह नहीं है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में है, वहाँ पे मतदाता को मतदान के बाद यदि वो सुविधा का उपयोग लेना चाहता है तो उसके जो एड्रेस है वहां तक उन्हें छोड़ने का ऑफर किया। पिछले दो चरण में कम मतदान प्रतिशत के बाद कई संस्थानों ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पहल की। कल तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। भिंड में होटल संचालकों ने वोटरों के लिए खाने पर 10% तक की छूट रखी है, तो वहीं भिंड में व्यापार मेले में झूले पर प्रति टिकट 10 रुपए की छूट दी है। डॉक्टर ने भी अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को छूट दी है। इसके लिए वोट करने के बाद उंगली पर स्याही दिखानी होगी। करके जो लोग आएंगे भिंड मेले में, जो छूट हमने दी है 7 दिन के लिए, 7 दिन में छूट चलेगी। एक तो मेले के जितने झूले हैं उनको 10 रुपए पर टिकट में कम होगा, सिर्फ मतदान को उंगली दिखाने पर। दूसरा, हमारे व्यापारियों ने भी कई चीजों में छूट कर दी है। मौसम विभाग ने 7 मई को होने वाली 9 लोकसभा सीटों के हिसाब से मौसम का हाल भी बताया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर बेल्ट जो है टेम्परेचर यहां पर 40 से 42 डिग्री के ऊपर जा सकता है। गुना, राजगढ़ क्षेत्र में भी तापमान 42 डिग्री के आसपास रहेगा। भोपाल और विदिशा संसदीय क्षेत्र में भी तापमान चढ़ा रहेगा। बैतूल के आसपास भी मौसम गर्म रहने वाला है। हालांकि इन सभी क्षेत्रों में कल हीट वेव चलने की आशंका नहीं है। अभी देखा गया है तो नॉर्थर्न एमपी में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कल के हिसाब से कल उधर हीटवेव का चांसेस नहीं है, लेकिन दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी वो रीजन में टेम्परेचर थोड़ा सा 42-43 रेंज में चल रहे हैं। हीटवेव अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं, मतलब चेतावनी दे रही हूँ, लेकिन एक दिन के बाद दे रही है। और भोपाल के हिसाब से देखा गया तो यहाँ पे अभी ड्राई वेदर ही परसिस्टिंग है, टेम्परेचर 40 की रेंज में। तो तापमान का जिक्र जो है हम कर रहे थे और मौसम वैज्ञानिक भी जानकारी दे रही थी कि 40-42 डिग्री के आसपास जो है तापमान रहेगा। हालांकि हीट वेव नहीं चलेगी, ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं होगी। गर्म हवाएं ज़रूर रहेंगी पर इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, और 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है। कल चूँकि मतदान होना है और मतदान को देखते हुए तैयारियां तो पूरी हैं, साथ ही साथ कैसा मौसम रहेगा ये भी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील कौशिक भी जुड़ गए हैं। उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर वहां की क्या हाल है, जो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, जो कल पहुंचेंगे, आखिर क्या क्या मुद्दे हैं और साथ ही साथ इतनी गर्मी में क्या सोच रहे हैं, किस समय जाएंगे। सुशील, कैसी तैयारी वहां पर और क्या लगता है, हीट वेव वगैरह बहुत ज्यादा होने वाली है, लोग शाम तक ही पहुंचेंगे या सुबह से ही लंबी लाइनें नजर आएंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग का कहना है कि कल भी मतदान के दिन 40 से 42 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना है और सीधी धूप रहेगी, सूरज खिला हुआ रहेगा। ऐसे में ये निश्चित तौर पर गर्मी का मौसम ग्वालियर चंबल अंचल में रहेगा। ऐसे में अगर मतदान को लेकर अगर देखें तो सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, वहाँ शेड लगाई गई है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पानी के इंतजाम है, सहित बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था भी है, कुर्सियाँ लगाई गई है, 100 से ज़्यादा मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लेकिन अगर देखें तो गर्मी का जो मौसम है तो उसमें टेंडेंसी जो रहती है मतदाताओं की वो यही रहती है कि ज़्यादातर मतदाता सुबह के वक्त अपने घरों से निकलेंगे कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले मतदान कर लिया जाए। उसके बाद अगर देखें तो दोपहर 3 से 4 बजे के आसपास जो है मतदाताओं की कतार जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी ताकि वो शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक मतदान कर पाए। तो निश्चित तौर पर मौसम का असर ज़रूर रहेगा क्योंकि तापमान मौसम विभाग ने आज बताया कि 42 डिग्री के आसपास रहेगा कल का, तो गर्मी रहेगी। लेकिन लोगों का जो उत्साह है, प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने पूरी जो है जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान करने के लिए आए। तो अब देखना ये है कि हालांकि गर्मी ज़रूर है तो इससे मतदान का जो परसेंटेज है उस पर असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन कल की अगर बात करें तो 40 से 42 डिग्री तक तापमान रहेगा, गर्मी ज़रूर रहेगी। लेकिन मतदाताओं के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि सुबह और दोपहर के बाद मतदान के लिए ठंडक रहेगी। इसके अलावा मतदान केंद्र जो है वहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके।
वाकई वाकई देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुशील की तो गई हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वोट प्रतिशत जिस तरह से कम हुआ था और उसी को लेकर सजग करने के लिए लोगों को कि मतदान करने पहुंचे ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करें, इसलिए भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गए, उन्हें समझाया गया कि जाइए आप पहुंचिए। हालांकि कल देखने वाली बात होगी भीषण गर्मी के बीच कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कितना प्रतिशत मतदान इस बार होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम जिले के ताल में रोड शो किया। उन्होंने आलोट उज्जैन संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री का रोड शो लाल कस्बे के प्रमुख बाजारों से होकर निकला। सीएम का काफिला जहां जहां से निकला जनता ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी जनता पर फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव ताल पहुंचे थे, जहां उनको देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। 13 मई आई और कांग्रेस 13 मई आई, हम सब मिलकर संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः बनाने के लिए। लेकिन याद रखना, ये इतनी गाली दे रहे, हम 5000 साल पुराना भगवान का कार्य याद करो। जब शिशुपाल गाली बकरा था भगवान को, तो शिशुपाल की माँ ने कहा कृष्ण तुम्हारा भाई है, इसको माफ कर दो। उन्होंने कहा बुआ माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक सीमा तय कर लेता हूँ। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा मैं 100 तक गिनूंगा, जिस दिन 100 हो जाए फिर मेरे से मत कहना। बोले ठीक है अब ये भूल गए, इसी प्रकार से ये भी गाली दिए जरा आपको 13 मई की तारीख तय कर लो, जितनी बकना हो गाली बक लेना। जैसे ही 99 के बाद 100 ही भगवान का। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुरहानपुर जिले के आदिवासी ग्राम दुलकोट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत आदिवासियों ने ढोल मांदल बजाकर किया। और इसी मौके पर आदिवासियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी झूम उठे। सीएम बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू मौजूद हैं। बुरहानपुर के धूलकोट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और झूठा करार दिया। सुश्री मंजू राजन दादू जी, बुरहानपुर की हमारी लोकप्रिय विधायक और नेपानगर की पूर्व विधायक आदरणीय अर्चना, न राम को माने न हनुमान को माने न सनातन संस्कृति को माने, ये सबकी बुराई करते और कहने के लिए झूठ कितना बोलते। आजादी के बाद से लगातार झूठ बोलते बोलते आए के दरवाजे कांग्रेस वाला आए, आप पूछना इनसे कभी आपने किसी आदिवासी को प्रधानमंत्री बनाया? नहीं बनाया। कभी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया? कभी नहीं बनाया। ये केवल कहने के लिए कहते हैं, इनने कभी राष्ट्रपति भी नहीं बनाया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर और भोपाल क्षेत्र की सभी 7 सीटों पर जीत जो है दर्ज करने वाली है। क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। पूर्ण विश्वास है कि इस फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश के सातों के सातों सीट में लहराएगा। इस फेज में 7 सीट हैं, 4 हमारे हैं और 3 भोपाल डिवीजन के हैं, तो सातों के सातों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चुनावी भागदौड़ के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में पित पर्वत पहुंचे। कैबिनेट मंत्री पितेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे भजन कीर्तन में शामिल हुए। विजयवर्गीय भगवान श्री राम की भक्ति में जमकर झूमते हुए नजर आए।
कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा का आरोप है कि रायपुर में बदसलूकी के बाद उन्होंने भूपेश बघेल से लेकर सचिन पायलट तक शिकायत की, लेकिन कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में राधिका खेड़ा ने क्या कुछ बताया, देखिए उसकी एक झलक। कोई भी कुछ भी बात हुई हो लेकिन, और आप चिल्ला रही हैं, आप रो रही हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर, कोई नहीं आया। किसी ने बाहर से, इतना स्टाफ था जो कांग्रेस का स्टाफ है उस आदमी का नहीं, किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी। सोचे एक महिला अंदर, दो मुस्लिम लड़कों की भी बात आई, वो बाद में हुआ, पहले ये सब हो गया। फिर मैं भागती हुई नीचे गई महामंत्री के कमरे में, मैंने उनको कहा भी कि इतना कुछ हुआ है। वो जो वीडियो तब किसी ने बना लिया था जब मैं रो रही थी, तो मैं उनके कमरे में, भूपेश बघेल जी के सलाहकार होते थे विनोद वर्मा जी, उनसे शिकायत कर रही थी। मैंने सचिन पायलट जी को कॉल किया, मैंने भूपेश बघेल जी को कॉल किया, पवन जी को किया, जयराम जी को किया, सबको कॉल किया, और सचिन पायलट जी द्वारा मुझे चुप रहने को कह दिया गया। बोला चुप रहो इस बात पे। देखिए सचिन पायलट जी कभी फोन नहीं उठाते हैं, वो खुद बतौर प्रभारी कभी आते भी नहीं है। ये शायद 3-4 दिन जो रुके, वो जब से प्रभारी बने उनका लॉन्गेस्ट स्टे था, उनके वो आते हैं पीए, वही सबसे मीटिंग करते हैं, जैसे कि वो स्वयं प्रभारी हैं, और कोई भी अगर बात करनी है पायलट जी से तो आपको उनसे करनी पड़ती है। जो एक जिसे कहते हैं ना, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं वही उसका पालन वो करे। जैसे राहुल जी, प्रियंका जी से आप बात नहीं कर सकते, आपको पीए से बात करनी है, वैसे ही सचिन जी से आप बात नहीं कर सकते। राधिका खेड़ा की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8:25 पर। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।